ये छह चीजें अगर इनकी एक क्षण भी देखभाल ना करो तो अतिशीघ्र नष्ट हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज का यह प्रसंग आपको अवश्य सुनना चाहिए। एक कहावत है, मूर्ख अंडा तो नहीं खाता, मुर्गी मारकर ही खा जाता है, फिर अंडा कहाँ से आए। मूर्ख का संग मूर्ख बना देता है। कभी कभी कई दुखों का कारण अपनी ही गलती होती है। आज की कहानी कुछ इसी कहावत पर सटीक बैठती है। तो आइए, स्वागत है आपका गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा के बगीचे में बहुत सारे बंदर भी रहते थे। एक दिन राजा के नगर में एक बहुत भारी उत्सव हुआ, जिसमें नगर के समस्त नरनारी भारी संख्या में सम्मिलित हुए। तो बगीचे के माली ने सोचा कि क्यों ना मैं भी उत्सव देखाऊं। परंतु एक समस्या है, बगीचे में वृक्षों को पानी भी देना है। यदि बिना पानी लगाए मैं उत्सव देखने चला गया तो वृक्षों के सूखने पर राजा मुझे कड़ी सजा देंगे। क्यों ना मैं बगीचा सींचने का काम इन बंदरों को सौंप दूं। यही सोचकर माली बंदरों के मुखिया के पास पहुंचा और बोला, हे बंदरों के सरदार, तुम लोग भी इस बगीचा में रहकर पूरे दिन मौज मस्ती करते रहते हो, वृक्षों के फल फूल खाते हो। तुमसे एक आग्रह है, आज मैं नगर में उत्सव देखने जा रहा हूं, जब तक मैं वहां से लौट कर ना आऊं तब तक तुम सभी बंदरों को लेकर वृक्षों पर पानी लगवा देना। माली की बात सुनकर बंदर कहने लगे, भाई आप चिंता ना करो, जब तक आप लौट कर आओगे हम सभी वृक्षों को पानी दे देंगे। माली बोला, देख लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, फिर हमें राजा की डांट खानी पड़े। बंदरों ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप चिंता ना करो बंधु। इतना कहकर माली ने जल सींचने के लिए बंदरों को काठ के बर्तन दे दिए और स्वयं उत्सव देखने चला गया। इधर बंदरों ने क्या किया, सभी बंदर मिलकर बगीचे में पानी देने लगे। अब वे पानी को उल्टा सीधा उछाल रहे थे, इसीलिए बंदरों के मुखिया ने कहा, अरे तुम लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है, पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। पौधों को पानी देने से पहले पौधों को उखाड़ उखाड़ कर देख लो कि उनकी जड़ कितनी गहरी है। जिसकी जड़ अधिक गहरी हो उसमें अधिक पानी लगाना और जिसकी जड़ छोटी हो उसमें कम पानी लगाना, क्योंकि हमारे पास इस समय पानी की मात्रा कम है। यदि पानी कम पड़ गया तो आधे पौधे पानी लगने से रह जाएंगे। बंदरों के मुखिया की बात सुनकर बंदरों ने कहा, बात तो ठीक है, हम सब ऐसा ही करेंगे। अब तो सभी बंदरों ने बगीचे में जितने भी वृक्ष थे सबको उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ें नापने शुरू कर दी और उसी के हिसाब से उसमें पानी देने लगे। बंदरों की ये करतूत एक व्यक्ति देख रहा था। उसने बंदरों से पूछा, क्यों भाई पानी लगाने से पहले तुम लोग पौधों को उखाड़ कर उसकी जड़ क्यों देखते हो। बंदरों ने कहा, दिखाई नहीं देता, हम पौधों को पानी दे रहे हैं, पौधे उखाड़ कर उनकी जड़ नापने का आदेश हमारे मुखिया ने हमें दिया है, कहीं पानी व्यर्थ ना हो जाए। सज्जनों, बंदरों का जवाब सुनकर वह व्यक्ति मन ही मन मुस्कुराया और बंदरों की इस मूर्खता पर सोचने लगा कि जो लोग मूर्ख होते हैं वे अगर अच्छा काम भी करना चाहते हैं तो भी काम बिगाड़ बैठते हैं। इस प्रकार उन्होंने सारे बाग को उखाड़ कर चौपट कर दिया। उधर माली जब लौट कर आया तो बाग की दशा देखकर बेहोश होकर गिर पड़ा। सोचने लगा, ये मैंने क्या किया, इन मूर्खों को मैंने बगीचा सींचने का काम देकर अपने लिए संकट पैदा कर लिया। किसी ने सच कहा है, यदि कोई मूर्ख अच्छा काम करना चाहता है तो भी उससे अनर्थ हो जाता है, इसलिए मूर्खों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इन मूर्ख बंदरों ने जल सींचने की जिम्मेदारी लेकर बगीचे का नाश कर दिया। विद्वानों ने ठीक कहा है, जो एक कार्यभार होने पर दूसरे अधिकारों पर अधिकार रखता है, जो स्त्री के जीते जी दूसरी शादी करता है, जो दूसरे पर विश्वास रखता है, जो धन की इच्छा भी रखता है और आलसी भी है, जो स्त्री के अधीन रहता है, जो चोर परस्त्रीगामी और आताताई के विषय में गवाही देता है या गवाही मांगता है, वह मूर्ख है।
दूसरा मूर्ख वो होता है जो कंजूस की तरह धन को जोड़कर रखे और समय आने पर उसे विरक्त पुरुष की तरह दे दे। इसके विपरीत जो अपने धन का व्यय करता है वह मूर्खता को प्राप्त होता है। बंधुओं, ये छह चीजें यदि क्षण भर भी इनकी देखरेख ना करो तो ये नष्ट हो जाती हैं। पहली गौ, दूसरी सेवा, तीसरी खेती, चौथी विद्या, पांचवी स्त्री और छठवीं मूर्खों को सौंपा गया काम। जो पुरुष मूर्ख और पापाचारी दुष्टों का त्याग ना करके उनसे मिला रहता है ऐसा व्यक्ति नरपराध और सज्जन होते हुए भी उन्हीं के समान दंड को प्राप्त होता है। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, इसीलिए मूर्ख और दुष्ट पुरुषों से कभी भी दोस्ती ना करें। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। वो एक कहावत है, मूर्ख का संग मूर्ख बना देता है। बंधु, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।